आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और आए हुए गणमान्य नागरिकन, आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तनीषा दसवीं कक्षा की छात्र आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बातें कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले मैं भारत माता के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि नमन करती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। यदि आज हम स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जाकर हमारा भारत देश आजाद हुआ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के सारे अधिकार हमको मिले, परंतु आज देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की वकालत तो करते हैं, परंतु बात जब कर्तव्य पालन की आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता हो। ऐसा मानसिक देश के लिए घातक है। हमें समझना होगा कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कहीं गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में जले ये आग या तेरे सीने में हो, कहीं भी ये आग जलती रहनी चाहिए। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा, आओ मिलकर करें ये वादा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। हमारे देश को, हमारे देश की आजादी के लिए ना जाने कितने ही वीरों ने अपनी जान कुर्बान की है। अब हमारे प्राणों की नहीं, हमसे ग्रोथ की उम्मीद है देश को, कि हम हमारे देश के लिए वह सब करें जिससे वह दुनिया का नंबर वन देश बन सके। नवयुवकों के दिल में ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का नारा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और हमेशा आजाद रहेंगे। और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया था। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, देश को बदलने की कोशिश हुई थी और अब वक्त आ गया है देश को बदलने का, देश के लिए कुछ नया करने का, जिससे वह दुनिया का नंबर वन देश बन सके।